अस्सलाम वालेकुम आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशा खान। जिस तरह से कोविड का कहर पूरे भारतवर्ष बस रहा है, उसी तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी जम्मू कश्मीर में भी कोरोना ने उतनी ही तेज़ी से पैर पसारे हैं। अगर हम सेकंड फेज की बात करें तो वो कई वर्ष दिनों से शुरू हो चुका है। इसी के चलते अभी बहु प्लाजा में आप देखेंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, जो SOPs की अवहेलना कर रहे हैं, उनके चालान काटे जा रहे हैं। और आप साफ तौर पर देखेंगे ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना और उनका चालान काटा जा रहा है। आपको कल भी अनाउंसमेंट किया कि आपको मास्क डालना चाहिए, आपको पता नहीं है कितना कोरोना अभी सबका ये सेम बहाना है। नहीं मैम, आप हमारे टोल टैक्स वगैरह सब चेक कर सकते हैं। मुझे क्या चेक करने का, आप न्यूज नहीं देखते, कहाँ रहते हो इधर? हरियाणा भी आए हैं। अभी एट प्रेजेंट कहाँ स्टे कर रहे हो? मास्क ना पहनने के लिए बहु प्लाजा जम्मू की बात करें, वहां पर कई दिनों से जो पुलिस है वो सख्त कार्रवाई कर रही है। जिन्होंने मास्क नहीं पहने उनके चालान काटे जा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जिन्होंने मास्क नहीं पहने जब उनका चालान होता है तो उनका फ़ोन रख लिया जाता है, जब वो पैसे पे करेंगे उसी के बाद में उनको फ़ोन वापस दिया जाता है। कहीं ना कहीं अगर मास्क पहनना है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ही एक अच्छी बात है कि हम कोविड जो है उससे बचेंगे। कोविड जैसी महामारी जो हमारे पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी है, बड़ी तेज़ी से अपने पैर पसार रही है, उससे हम निजात पा सकेंगे। और हम अपनी तरफ से ये एडवाइस देना चाहेंगे कि जो भी हैं लोग अपने हाथों को धोए, समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज़र लगाए, साबुन से अपने हाथों को साफ करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें।